नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की, कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, और देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दिल्ली यूपी समेत देश के इन राज्यों में अगले 5 दिन आंधी और बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है, इस कारण यहां मौसम काफी सुहाना हो गया है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के IIMD ने बताया है कि दिल्ली में अगले 3-4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इस दौरान आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने आज बताया है कि अरब सागर से आई नमी के कारण उत्तर पश्चिम भारत में 2 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा, वह उत्तर पश्चिम भारत में 5 दिनों तक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। इससे मौसम विभाग ने इसे मद्देनजर हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान और इसके अलावा यूपी के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। वही समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मौसम विभाग की वैज्ञानिक जो है डॉक्टर सोमा सेन रॉय, उन्होंने बताया है कि अरब सागर से आई नमी के कारण उत्तर पश्चिम भारत में आज और कल ऐसा ही मौसम रहेगा। वही कल से इसके मुख्य रूप से यहाँ पर यूपी में यहाँ पर ज्यादा रहेगा, अगले दिन यहाँ पर इसमें कमी आएगी। वही उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिन तक आंधी चलेगी, इसके अलावा अगले 3-4 दिनों तक दिल्ली में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के लिए और यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन कल उत्तर पूर्व यूपी में भारी बारिश होने इलाकों में आंधी चलने की संभावना है। इससे पहले यहाँ पर दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवा के साथ बारिश हुई है। वही मौसम में आए अचानक बदलाव के से उत्तर भारत में चल रही भीषण गर्मी से लोगों को खासी राहत मिली है। कल सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम में औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस कम है। वही कल जो अधिकतम तापमान सामान्य से 34.5 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, यानी सामान्य से 5 डिग्री कम ये दर्ज किया गया और 34.5 डिग्री दर्ज किया गया, यानी तापमान जो है उत्तर भारत में राजधानी दिल्ली में जो तापमान है फिलहाल जो है इसमें गिरावट का दौर जो है वो जारी है, यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान इस तरह का जो मौसम है वो देखने को भी मिल रहा है। बात करते हैं अब राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की, तो बिहार में मौसम हुआ है सुहाना, कई जिलों में बादल गरजने के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दरअसल बात यह है कि बिहार में वर्षा की गतिविधियां की सक्रियता होने से मौसम सुहाना बना हुआ है। वही कल आंधी पानी से लोगों को यहां पर भीषण गर्मी से राहत मिली है। वही शाम लगभग 7 बजे काले बादल छाए, उसके बाद तेज हवा के साथ बारिश और बौछारों लोगों को राहत दी। वही पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश जो है झाझा इलाके में हुई है, जहाँ पर 53.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार जताए गए हैं, यानी तापमान में बढ़ोतरी होगी। वही अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत 16 शहरों में अलर्ट जारी किया गया, जिसमें अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, कैमूर, रोहतास और सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, शिवहर और वैशाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ साथ बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है, यानी इस तरह का अपडेट जो है निकल कर सामने आ रहा है कि बारिश जो है वो यहाँ पर हो सकती है। बात अब करते हैं बिहार के बाद सीधा चलते हैं गुजरात, तो गुजरात के मौसम को लेकर क्या खबर है, तो बता दें आपको कि गुजरात में अभी 2 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य गुजरात, तो गुजरात और सौराष्ट्र में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। सौराष्ट्र में मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। दरअसल बात यूँ है कि भीषण गर्मी के बीच गुजरात के मौसम में अचानक बदलाव आ गया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात सौराष्ट्र में बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तर गुजरात में कल हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पिछले 2 दिनों से मध्य और उत्तर गुजरात में बादल छाए रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राज्य के कई इलाकों में भी मौसम बारिश होगी। उत्तर गुजरात में कल से यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश होगी। वे आज जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया उसमें बनासकांठा, महसाणा, पाटन और इसके अलावा साबरकांठा में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वही पिछले 2 दिनों से गुजरात के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। वही सौराष्ट्र में तेज हवा के साथ बारिश के चलते 2 दिन जो है मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह यहाँ पर दी गई है, यानी समुद्र में ना जाने की सलाह जो है मछुआरों को यहाँ पर दी गई है। वही गुजरात के बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के मौसम अपडेट की, तो महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दी है चेतावनी और मानसून को लेकर भी कुछ जानकारी जो है वो शेयर की गई है। दरअसल बात यह है कि महाराष्ट्र में गर्मी और उमस के बीच सुकून देने वाली खबर निकल कर सामने आई। दरअसल मौसम विभाग ने IIMD ने साल
मानसून सामान्य रहने की भविष्यवाणी की है मौसम विभाग ने। दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए दूसरा पूर्वानुमान जो है कल जो है वो जारी किया है। यानी दूसरा जो पूर्वानुमान जो होता है वो यहाँ पर कल जारी किया है। वह अपने दूसरे पूर्वानुमान में यहाँ पर कहा है कि जून से सितंबर तक मानसून के अधिकतम इलाकों में 96% बारिश जो होने की इस बार महाराष्ट्र में संभावना है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि भारत में सामान्य बारिश पूरे देश में जो है भारत में यहाँ पर पूरी सामान्य बारिश इस बार होगी। जून महीने में बारिश कम हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि जून में दक्षिण भारत कुछ हिस्सों में, उत्तर भारत और सुदूर उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में जहाँ सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद भी जताई गई है। यानी कम बारिश की बात यहाँ पर कही गई है। अभी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बाद सीधा आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। तो आखिर राजस्थान में अभी कैसा रहने वाला है आने वाले 24 घंटों का मौसम, तो बता दें आपको कि राजस्थान में जारी रहेगा बारिश का दौर। कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। दरअसल बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में कल जमाझम बारिश हुई। इस मौसम में ये प्रणाली जो है आज 20 सक्रिय रहेगी। बदलते मौसम के कारण अधिकतर जिलों में तापमान में गिरावट आई है। वैसे जयपुर, गंगानगर, चूरू और जोधपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश यहां पर हुई है। आने वाले 24 घंटों में बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। वही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा में आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बात की है। इसके अलावा कुछ जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी है। वही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण जो है मौसम में लगातार बदलाव के आसार। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। बारिश के कारण राजस्थान के अधिकतर जिलों में दिन का तापमान 40 से नीचे दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार बारिश की वजह से दिन का तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अभी गिरा है। इसलिए जो है अधिकतम तापमान अभी 40 डिग्री से नीचे यहाँ पर रहने के आसार जताए गए हैं। राजस्थान के बाद MP की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर तो आखिर क्या कुछ MP के मौसम को लेकर भविष्यवाणी हुई है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है। तो बता दें आपको कि MP में धूल भरी आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है बारिश का सिलसिला जारी रहा है। पिछले 24 घंटों में आज भी जारी रहेगा और कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलेगी। वही तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। वही मई महीने में अमूमन मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 से 46 के आसपास रहता है, लेकिन मौसम की मौजूदा स्थिति से तापमान जो है 40 डिग्री नीचे रहेगा। राज्य के अधिकतर ग्वालियर और नौगांव, शिवपुरी, सागर, दतिया और उमरिया, इंदौर, मांडला और इसके अलावा राजगढ़ में आज बारिश हो सकती है। वही कल भी बारिश हुई, आज भी हो सकती है। वही भोपाल में तापमान 40 डिग्री के बीच दर्ज यहाँ पर किया गया है, 23 से 40 के बीच दर्ज किया गया है। इसके अलावा इंदौर में तापमान 30 से 39 के बीच रहेगा। अन्य शहरों की बात करें तो जबलपुर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रहने के आसार जताए गए हैं। यानी तापमान में जो भी उतराव चढ़ाव का दौर जो है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा। इस तरह का अपडेट जो है निकल कर सामने आ रहा है। वही छत्तीसगढ़, झारखंड के मौसम को लेकर अपडेट क्या है तो बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में कुछ इलाकों में बादल वगैरह छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है तो कुछ इलाकों में मौसम शुष्क भी रहेगा। वही यूपी की बात करें तो यूपी में और उत्तराखंड में भी मौसम इसी तरह का रहने वाला है। कुछ इलाकों में जोरदार बारिश से तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। वही आने वाले 24 घंटों के दौरान यूपी के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। चेतावनी जो है वो दी गई है।